नए साल के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। हर कोई अपने अंदाज में जश्न मना रहा है। इस बीच बात अगर कटिहार की करें तो कटिहार के लोग गेराबारी नरेंद्र उद्यान में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बोटिंग के अलावा इस पार्क में कई और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं। इस बीच पार्क में पहुंचे लोगों ने साल 2024 के लिए क्या रेजोल्यूशन लिया है और इन लोगों की नज़र में बिहार में कितना बदलाव हुआ है, इस पर बातचीत पर एक रिपोर्ट। मैम, कटिहार में नए साल के पिकनिक एंजॉय करने आए हैं, कितना खुशी है ये, कितना अट्रैक्टिव है जगह जी? मैं तो पटना से आई हूँ और ये जगह मैंने, हम लोग ने सर्च करके आई हूँ कि चलो कटिहार में कुछ घूमने लायक जगह है, तो हम लोग को मिला कि चलो एक नरेंद्र उद्यान पार्क बना है, वहाँ घूम कर आते हैं। तो आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डेवलपमेंट देख करके, और नए साल का सौगात है बिहारियों के लिए, खासकर कटिहार वासी जो हैं उनके लिए, और बहुत खूबसूरत है। अभी ये देखिए बोटिंग हम लोग अभी करते हैं कि नहीं, देखते हैं, टाइम काफ़ी शाम हो गई है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। और आइए और यहाँ पे नए साल का जश्न 2024 बहुत धूमधाम से मनाइए। थैंक यू। ये बिहार कई दिशा में बदलाव की ओर है जी, क्या चाहते हैं 24 में बिहार के लिए क्या बदले? 24 में मतलब पहले से बिहार काफ़ी बदल चुका है। जो पहले देखते थे कि कहीं लोग घूमने नहीं जाते थे, 1 जनवरी को लोग घर में ही मनाना सुरक्षित समझते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। आप पूरे फैमिली के साथ आप हर जगह, मैं इवन कटिहार में नहीं, पूरे बिहार में मैं देखती हूँ कि काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और बहुत अच्छा पहल है, और बढ़िया होना चाहिए। रोड वोड भी बहुत अच्छे हो गए हैं वहाँ का, तो बिल्कुल सुरक्षित माहौल है, और अपने फैमिली के साथ फुल्ली इंजॉय आप 1 जनवरी को कर सकते हैं नया साल के लिए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नाम पिंकी है। कितना एंजॉय कर रहे हैं नया साल का जश्न को, किस तरह से? काफ़ी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पटना से बाहर कटिहार में आकर और सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि हर स्टेट को गवर्नमेंट ने मतलब फोकस किया हुआ है, हर सिटी को, कि कैसे उसको डेवलप करना है। सो थैंक यू सो मच। क्या नाम? सपना शौर्य। ये तो मतलब कि मैं पटना से आया हूँ और ये कोढ़ा प्रखंड में ये जो इकलौता पार्क है कटिहार जिला का, हमको काफ़ी अच्छा लगा है और ये बहुत रमणीक, मतलब कि अनुमान से बेहतर, पहली बार आया हूँ और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी अच्छा लोग एंजॉय कर सकेंगे नए साल में। बोटिंग के तमाम सुविधा है, तमाम पूरी तमाम आप देख रहे हैं कि बोटिंग की पूरी सुविधा है, उधर गार्डन है और ये पेड़ पौधा मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहे कि कटिहार में है। पूरा फैमिली एंजॉयमेंट का पूरा व्यवस्था बिल्कुल कटिहार जिला का बिल्कुल इकलौता पार्क है और काफ़ी मनोरम दृश्य है एकदम। अच्छा, क्या चाहते हैं नया साल है और क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं इस साल बिहार के लिए, क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? नया साल में देखना चाह रहे हैं कि बिहार का जो है टूरिस्ट डेवलपमेंट जो है, एक आपका एक राजगीर है जो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि जो दूसरे स्टेट में जैसे लोग जाते हैं घूमने के लिए, हमारा बिहार भी पॉपुलर हो और काफ़ी दूर दूर से लोग यहां आए। जैसे मैं अभी देखा हूं कि काफ़ी जगह डेवलप हुआ है, बेतिया में कुछ वाटर पार्क डेवलप हुआ है, अररिया का छोटा गांव डेवलप हुआ है जो मिथिलांचल पूरा बसा हुआ है, मैं कटिहार में पार्क देख रहा हूं, राजगीर, मतलब ये नया साल में लगता है कि काफ़ी टूरिस्ट यहां आएंगे देखने के लिए और पूरा इंजॉय करेंगे। क्या नाम? प्रशांत कुमार।